डिटरमिनेंट का एक्सपांशन रिवाइज तो नहीं कराना है, याद है ना? याद है सर, याद है सर, याद है सर, याद है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो इफ यू हैव बी गिवन, कंसिडर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, हमारा सेक्शन का नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेट्स ही दे रखे होते हैं, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। सो अब अगर हमें एरिया निकालना है तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा नहीं कि हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकूं, करेक्ट एवरीवन? यस सर। बट आई कैन यूज कि एरिया, जैसे तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, देखा है नहीं देखा है? यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट में है, देखा है सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, और ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन होते थे वहां पे? कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स, एग्रीड ऑल ऑफ यू? हां सर। सो इसका प्रूफ एक तरीके से बता रहा हूँ मैं, जो पूरा करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट थोड़ा बहुत बता दूंगा। सो एरिया इज इक्वल टू, या ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई भी दो पॉइंट्स का लेते हो 1.3 और 2.4, तो वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, करेक्ट है? हां सर। तो यहां पे ए बी वेक्टर कौन हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। वैसे ही ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1 i कैप, करेक्ट है? y3 माइनस, यस सर, प्लस y3 माइनस y1 j कैप। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। Yes, sir. Okay. So, what will we have is just half. यहाँ पे क्रॉस करूंगा इसका, इसके साथ क्रॉस, माइंड में इमेजिन कर लो, आई क्रॉस आई एवरीवन कितना होता है? जीरो। जीरो। आई क्रॉस जे कितना होता है? एक। ये क्या होता है बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Okay. Then जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। माइनस के क्या? माइनस के क्या? फिर जे क्रॉस जे कितना हो जाता है? जीरो। 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 तो के कैप कॉमन आ गया और मॉड ऑफ के कैप वन हो गया, कैन आई से लाइक दैट? यस सर। यस सर। तो मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड ये आ गया, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं कि एक्स वन के कंपोनेंट देख रहा हूं मैं, एक्स वन यहाँ पे प्लस में देखो, एग्री करो? यस सर। आया ना? यस सर। एक्स वन कितना हो जाएगा फिर, ब्रैकेट्स में बताओ, वाई टू माइनस वाई वन यहाँ पे माइनस में, माइनस वाई थ्री प्लस वाई वन, एग्री करो? यस सर। जल्दी से बराबर आ जाओ एंड ओके करो। यस सर। फिर यहाँ पे एक्स टू वाला है तो मैंने उसको माइनस एक्स टू कर दिया, वाई वन माइनस वाई थ्री, साउंड्स गुड? यस सर। अरे क्यों करा है वो तो बस तुम्हें थोड़ा रीजन अभी बता दूंगा, बट चलेगा ना, सेम ही चीज है ना? यस सर, चलेगा सर। फिर ये माइनस एक्स थ्री है देखो, तो मैंने इसको प्लस एक्स थ्री कर दिया, y1 minus y2, yes sir, y1 minus y2, yes sir. तो एरिया क्या है? half of, ये कौन सा है, determinant का symbol है या mod का symbol? mod का symbol, mod है sir, x1 y2 minus y3, y2 minus y3 minus x2 y1 minus y3 plus x3 y1 minus y3. तो अब इसका मैं reverse expansion कर सकता हूँ, जो मैंने सिखाया नहीं है, but वो determinant में सिखाऊंगा, reverse expansion. रिवर्स एक्सपांशन में डिटरमिनेंट ऐसा ही होता है, कम ऑन, फर्स्ट रो एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स, क्या बोला मैंने, नाम यूज किया था क्या, माइनर? नहीं नहीं यूज किया था, नहीं सर, आपने बस एक बार बोला था, बट मैंने ये समझाया था ना कि एक्सपांशन करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स उनके करस्पॉन्डिंग वो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं जो छुपाते हो तुम, याद आया? यस सर। याद आया, देखो कम ऑन, A1 into this है, तो अगर मैं रिवर्स एक्सपांड, ये कैसा आया था याद करो, एक्सपांशन से, बट मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, अच्छा A1 B1 C1 फर्स्ट रो में होंगे, सोचो, कम ऑन विथ मी, अदर? यस सर। यस सर। यस, क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा एक्सपांशन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड एक्सपांशन या रिवर्स? रिवर्स। A1 से मल्टीप्लाइड है तो ये पक्का उस रो और उस कॉलम को छुपाओगे तो उससे आएगा, एग्री करो? कम ऑन। यस सर। यस सर। तो सही पोजीशन पे अरेंज किया क्या मैंने उनको? कम ऑन। यस सर। फिर B1 के साथ ये चारों कबूतर हैं, तो B1 का कॉलम मैंने छुपा दिया, B1 का रो मैंने छुपा दिया, तो A2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नीचे। यस सर। ये रहा C2, कम ऑन। यस सर। यस सर। A3 ये रहा, C3 ये रहा, कम ऑन।
यस सर फिर सी वन के साथ कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं, सी वन के साथ सही है क्या अरेंज? कम ऑन, यस यस सर, यस सर। क्या बोलता हूँ इसको मैं? रिवर्स एक्सपेंशन। ये कोई बुक का नाम है या जीकेएम सर का नाम है? जीकेएम सर का नाम है सर। बुक का नाम नहीं है, रिवर्स एक्सपेंशन मैं बोलता हूँ। बट क्या ये क्लियर है? इसी का एक्सपेंशन था, देखो ये रहा, कम ऑन, यस सर, यस सर। सो लेट्स कम बैक टू दैट। हाँ तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि हाँ वैसा ही मल्टीप्लाइड है, प्लस माइनस प्लस, कम ऑन दिख रहा है? हाँ सर। इनको मैं अरेंज कर दूं एवरीवन? यस सर, यस सर। x1 x2 x3 रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर, यस। तो x1 के साथ ये कबूतर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y2 माइनस y3 हो रहा है, हमें चार नहीं दिख रहे हैं, करेक्ट ना? यस हाँ सर। अब वापस समझाता हूँ, यहाँ पे ऐसे दिख रहे थे b2 c3 माइनस b3 c2, एग्री करो? कम ऑन, यस सर, यस। और अगर मुझे सिर्फ b2 माइनस b3 दिखेगा तो मैं एक दो को कबूतरों को क्या मान लूंगा? वन मान लूंगा, कम ऑन। सो ये y2 माइनस y3 तो कितना हो गया? y2 इनटू 1, कम ऑन, माइनस जल्दी से ओके करो। यस सर, यस सर। अब ये x2 के साथ मल्टीप्लाइड है तो x2 का कॉलम छुपा दिया, x2 का रो छुपा दिया, y1 माइनस y3 तो y1 इनटू 1 माइनस y3 इनटू 1, y3 इनटू 1, यस सर। और इसके लिए ओके हो गया, देख लो, कम ऑन, यस सर, यस सर, यस सर। तो हमारा कहना है डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया है एरिया, एवरीवन? हां सर, हां सर। बस हम इसका ट्रांसपोज की तरह याद करेंगे, ऐसे याद नहीं करूंगा। किस तरीके से याद कराऊंगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है सिर्फ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो है वो क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम। कॉलम इस फॉर्म में याद कराने में इजी रहता है, बस इसलिए बोल रहा हूँ, चलेगा? तुम ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एम आई क्लियर? यस सर। सेकंड रो क्या हो गया एवरीवन? सेकंड कॉलम y1 y2 y3। और थर्ड रो क्या हो गया एवरीवन? वन कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यस, ये एरिया का फॉर्मूला है हमारा जो ऊपर लिखने वाला हूँ। प्रूफ तो क्लियर है एक बार के लिए, तो मैं कॉपी करने का टाइम भी नहीं दूंगा मैं। क्लियर? हां सर, हां सर। सो बस अब रिजल्ट मेरे साथ याद करो, चलो बिना देख के नीचे। अगर ये तीन वर्टाइसेस हैं तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ देन डिटरमिनेंट का सिंबल, जितना मैं बोलूं उतना ही क्या आएगा? अगर तीन वर्टाइसेस हैं तो x1, y1 और उसके साथ क्या अटैच कर दो? 1। फिर सेकंड वर्टेक्स के लिए x2, y2, y1। फिर थर्ड के लिए क्या कर दो? x3, y3, y3, 1। क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन? हां सर, हां सर। किसी गलती कौन बता सकता है? मजा ही आ जाएगा अगर बता दोगे तो। हां क्या, अगर छोटी सी गलती बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा, बोलो। सो एक मॉड था पहले तो, हाँ बस मॉड लगा देना क्योंकि डिटरमिनेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, हाँ है ना बच्चों? यस सर, यस। चलो फॉर्मूला कॉपी करो बस। प्रूफ अगर लिखना है घर पे तो बाद में करना, अगर नहीं लिखना है घर पे तो बस ये लिख देना, यूजिंग ए क्रॉस बी आ गया। इसको एक्चुअली सॉरस रूल और उससे भी बता सकता हूँ, चेन रूल टाइप का बोलते हैं, बट कोई मतलब नहीं, अपने डिटरमिनेंट वैसे भी चैप्टर है तो तुम वैसे ही पढ़ लो। हो गया क्या एवरीवन? यस यस। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। देवेश सिंह तू जिना इन बच्चा तो नहीं लग रहा है, मैं उड़ा रहा हूँ।
एक तो बच्चे कार्टून आ ही जाते हैं पता नहीं कहाँ से। हाँ एक सेकंड वापस कौन है। ओके मैं पूछ रहा था। हाँ यहाँ पे फर्स्ट रो पे एक्स वन वाई वन मैंने लिखा है, क्वेश्चन बोलेगा क्या कौन एक्स वन वाई वन है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब मैं किसी को भी लिख सकता हूँ क्या फर्स्ट रो में? हाँ बच्चे किसी को भी लिख सकते हो क्योंकि डिटरमिनेंट का एक्सपांशन किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट करते हो आंसर सेम आता है। ये मैंने शायद से बोला था बस, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर? हाँ सर। यस सर। जैसे तुम सब ने ये आंसर तुम सबने ये आंसर फर्स्ट रो के अबाउट करके निकाला था, याद है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। है ना, मैं थर्ड कॉलम के अबाउट भी निकाल सकता हूँ। देखो थर्ड कॉलम के अबाउट क्या होगा, वन इंटू उसके करस्पॉन्डिंग माइनस जीरो प्लस जीरो, करेक्ट एवरीवन? इस तरीके से यस सर। हाँ ना कबूतरों? हाँ सर। वन के कौन, वन के अक्रॉस कौन आएगा? ये चारों, टू थ्री जीरो फोर। हाँ सर। क्या इसका भी आंसर 80 है ना? हाँ सर। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम में एक्सपांशन कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क पड़ सकता है। वो तो वैसे भी हमारे लिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या लिखा है, मॉडुलस। मॉडुलस। सो आई एम रिपीटिंग, तुम फर्स्ट रो पे किसको लिखते हो इट डजंट मैटर, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। स्टार्ट। कल मैंने देखो इस तरीके से लेक्चर लिया था, दिख रहा है? यस सर। आपने कौन से बैच का लिया था सर? 12th के एक बैच का लिया था मैंने। अरे आपने सिंगर को लिया था? सर अंधेरी वालों का? अंधेरी नहीं, कोई बच्चे नहीं थे, ऑनलाइन ही लेक्चर था, बट मैंने सेंटर पे जाके स्मार्ट बोर्ड पे लिया था जो अभी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। सर हमें तो मजा आता है, बोल रहे थे मंडे को रखेंगे, नहीं रख रहे हैं। राइटिंग इतनी गंदी आ रही थी मेरी। सर कोई बात नहीं, चलता है, वैसे भी बहुत अच्छी नहीं। हाँ वैसे भी बहुत अच्छी नहीं। सर ऐसा रहा तो अच्छा है कि मतलब अंधेरी के बच्चे भी अटेंड। मजा तो आया वैसे। नहीं अंधेरी अंधेरी सेंटर डजंट मैटर, तुम अगर बहुत सोच रहे हो उस बारे में
तो कोई सेंटर मैटर नहीं करता प्लेस में, तो डोंट एवर थिंक ऑफ इट लाइक दैट। सर आप मंडे को बुलाने वाले थे, वो बुला रहे हो क्या? मैं अभी आउट ऑफ सिटी चला गया। अच्छा सर, अरे यार चलो वही करो। हाँ सर, उसमें एक और ये भी इशू आया कि जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई, बच्चों को तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा, बट वीडियो की रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे आई तो इट वॉज नॉट सो गुड। आई डोंट नो क्या इशू है, वो सब रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। हाँ ये बच्चों जैसा क्वेश्चन तो करो यार जल्दी से, और बस गलती मत करना सेकंड पार्ट में, कुछ बच्चे कबूतरपंती करते हैं। सर शुड वी सेंड यू द आंसर? चैट पे लिखने में कभी कोई मना नहीं है बच्चे, यू कैन ऑलवेज डू। पहले का आंसर 9। यस यस सर, यस सर, यस सर। दूसरे पार्ट में कितनी कबूतरपंती हो रही है यार तुम्हारी, थोड़े जनों का सही है बट थोड़े जने कबूतरपंती कर रहे हैं। 11/21/2 किसी का आया तो वो नमूनापंती है वो, आई थिंक। ज्यादातर का सही है, 25.5 इज द आंसर। यस सर, यस सर। मैं करूंगा नहीं, मैं बस गलती बता देता हूँ क्या कर रहे होगे, चलेगा? हाँ सर। एबीसी का तुमने बिल्कुल सही निकाला क्योंकि तुमने उसका मॉडुलस ले लिया। अब तुम एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का 2 का सम का एरिया ऐड कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ सर, a1 + a2 कर रहे हो ना? हाँ सर, यस सर। बट बिना मॉडुलस के किया तो क्या गलत हो ही जाएगा ना, एग्रीड? यस सर, यस। Do you understand? क्योंकि वो एक 16 हो रहा है और एक माइनस 3 हो रहा है, तो तुम तो 13 लिख दोगे जब 16+3 होना चाहिए। समझ गए कार्टून बनती? Yes, sir. करना है क्या तो भी जल्दी बोलो। नहीं, लास्ट चांस। हाँ सर, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पर ये भी एक लिमिटेशन आएगी, कंटेंट कम कवर हो रहा था क्योंकि लिखने में और ये सब करने में टाइम बहुत लग रहा है ना। सर पर वो तो फिजिकल लेक्चर में भी होता होगा? नहीं फिजिकल में यार, मतलब मेरे स्क्रीन, मेरी राइटिंग तो बहुत फास्ट है ना, मार्कर से बहुत उसमें इश्यूज आते हैं। सर वो लिखने से फिर जितना लिखेंगे वही, अभी वही इतनी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। कोलिनियर के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज करोगे? कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर के लिए इंफॉर्मेशन वाइज लिख सकते हो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। यस एरिया इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो, यस स्लोप का फंडा अभी पढ़ाऊंगा तब कर सकते हो, जिसको आता है वो बिल्कुल यूज कर सकता है। तीसरा सेक्शन फॉर्मूला तक यूज कर सकते हो, कमॉन, अगर कोलिनियर है तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा, एग्री करो? हाँ सर,
हाँ है ना बच्चों, कोई भी पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा एवरीवन लैम्डा इज टू वन यस बट अगर कोलिनियर नहीं है तो नहीं करेगा ना ऑब्वियसली जल्दी से बोलो एग्रीड यस सर तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में सेम लैम्डा को इक्वेट कर दोगे उससे भी आ जाएगा हु इज द फास्टेस्ट मेथड एरिया स्लोप स्लोप हां एरिया भी ठीक है स्लोप इज फास्टेस्ट एक्चुअली बट अभी तुम्हें स्लोप पढ़ाया नहीं है तो मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी एरिया से एरिया जल्दी फिनिश करो I will not do this, so don't do a blunder in calculation. Easy question है इसलिए मैं answer yes or no नहीं कर रहा हूँ सबका सही है वैसे अभी तक एक भी जनों ने गलत नहीं किया है चलो भाई हो गया enough time k is half any doubt no sir no sir last chance चल next question करो sir k का value क्या था half सर अगर वो पिछला वाला क्वेश्चन अगर स्लोप से करेंगे तो उसका जीरो होगा ना सर वैल्यू स्लोप इक्वल नहीं सर हाफ ही होगा बस बस इसलिए ही समझ में आता है मैं जो नहीं पढ़ाता हूँ वो मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरे को नहीं आता स्लोप वैसे 15 मिनट बाद आ जाएगा बट अभी नहीं आता करो ये क्वेश्चन Straight line is a beautiful chapter as compared to PNC with respect to GKM, sir. बताओ क्यों? ये आपसे better कोई पढ़ा ही नहीं सकते chapter. नहीं, वो ज़्यादा पढ़ा है. बच्चे ज़्यादा उंगली नहीं. मेहनत sir. हाँ, मेरी मेहनत कम है, तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है. Agreed? हाँ sir. हाँ sir. और PNC में मेरी कितनी मेहनत है? और इस बार तो अलग ही रायता फैल गया कि 11th में भी साथ में पढ़ाना है, 12th में भी. तो इसलिए 2 वीक से मेरा गला ही डाउन है फिर भी सर आप हम पे इतना चिल्ला लेते हो वो तुम्हारा टैलेंट है या मेरा वो डाउटफुल है मुझे राइट
अभी नालायक अभी तो फिजिकली मिला नहीं है, नहीं तो फिर तो जूते खाएगा तू। हाँ सर गलती हो जाएगी अगर वापस एरिया को किसमें नहीं रखोगे तो मॉड। अनव रॉन्ग, क्षितिज रॉन्ग, और जल्दबाजी करो। देखो मैं ज्योमेट्री एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ, तो मुझसे मुझे कुछ बताना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट एक चीज यूं ही मस्ती में। क्या दे रखे हैं? 3 पॉइंट्स, 3.4 और 5.-2, करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ भाई, यस सर। तो ये दो तो फिक्स पॉइंट है, तो यस ये लाइन भी फिक्स लाइन है। अब बोल रखा है कि वर्टेक्स पी निकालो सच दैट एरिया इज 10। ठीक है, अच्छा ऐसा बन सकता है। क्या बोला? हाँ, इतना तो फील आनी चाहिए यार, दो बनेंगे। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर, एरिया बोला है तो एरिया 10 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। दो आंसर चाहिए मुझे। सर उस पॉइंट का इमेज निकाल देना उस लाइन के लो। नो, अनिकेत करेक्ट। अंशु रॉन्ग, प्रकर्ष करेक्ट, अर्णव अभी इतना सब चीजें लिख रहा है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा बच्चे, तू बोल देना। सिद्धार्थ रॉन्ग, निहेर क्या कबाड़ा लिखा है, एक सही एक गलत। शर्विन करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, तन्मय करेक्ट, केशव रॉन्ग, देवांशी करेक्ट, ज्योत्सना रॉन्ग, निहल करेक्ट, विभूषिता रॉन्ग, अनन्या करेक्ट, गौरव रॉन्ग, एक सही एक गलत है उसका, ओके आई थिंक आई कैन डू। यार डिस्कस करना है क्या नहीं करना है बोलो। 30 सेकंड सर, 1 मिनट। ओके मैं आंसर लिख रहा हूँ, बट तुम अभी स्टिल कर सकते हो 30 सेकंड। चलो और बाकी सब बच्चे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, इनका हो गया है।
क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। स्क्रीनशॉट ले लेना। पैराग्राफ ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रही लड़की? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं सर जेईई में? क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं जेईई में? ऑब्वियसली क्यों नहीं पूछते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना दम ही नहीं होता उनमें। हाँ अब डाउट है क्या इसमें, करना है क्या? यस सर। नो सर। चलो फिर देखो इधर। हाँ सबसे पहले तो पी ए इक्वल टू पी बी से कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लें एवरीवन। पी ए इक्वल टू पी बी, सो पी ए स्क्वायर विल बी आल्सो इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों, पी बी स्क्वायर आई एम राइटिंग इट डाउन। And I am realizing my experience कि a square b square cancel हो जाएंगे, sounds okay ना? Yes sir. हाँ sir. Yes. A minus b equal to one आता। मैं directly इसका relation use कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? A minus b equal to one, correct everyone? Yes sir. Is g correct? Vinay correct? A minus three b equal to a minus three b आ रहा है मुझे sir. Minus three b आ रहा है। I should know better. To trust Carver fellows. Next thing. अब क्या चाहिए मुझे? एरिया। सो एरिया इज हाफ मॉडुलस, मैं गलती नहीं करता इसलिए मैंने पहले लिख दिया, चलेगा ना? यस। ओके क्या क्या लिखूंगा? ए बी वन थ्री फोर वन फाइव माइनस टू वन इज इक्वल टू टेन। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों? 20। डिटरमिनेंट का मॉडुलस इज 20, तो बताओ अगर मॉड x 20 होता है तो x कितना हो जाता है? प्लस माइनस 20। यहां तक तो क्लियर? यस सर। यस सर। तुम बार बार मत कॉपी करना, तुम एक बार में कर देना ये सब, तो मैंने बार बार लिखा है। अब एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ए डायरेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अबाउट, चलेगा ना? हाँ सर। a into 4 plus 2 6 minus b into 3 minus 5 minus 2 plus 1 into minus 6 minus 20 if I am not wrong. 6a plus 2b minus 26 is plus minus 20. 3a plus b minus 13 is plus minus 10. Now that okay everyone? Yes sir. Agar plus liya to 3a plus b is equals to 23. माइनस लिया तो 3a plus b is equals to 3। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे किसके साथ सॉल्व करना है एवरीवन? माइनस 3b equal to 1। इससे आंसर आ जाएगा 7,2, देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे आ जाएगा 1,0। वो मेरा काम नहीं सॉल्व करना। क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छी तरह कॉपी कर लो, ऊपर से दिखा दूं एक बार। पॉसिबल अक्षत, पॉसिबल
एक अच्छा क्वेश्चन करें। यस सर। देखने में सिंपल बट गलती बहुत होती है। ओके चलो आई एम मूविंग ऑन। करना ये इन्फॉर्मेशन वाइज तो डिफिकल्ट नहीं, हम सबको पता है एरिया को 6 से इक्वेट करना है, करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर। हाफ 1 2 1 एक्स 2 1 1 वाई 1 इज 6 या प्लस माइनस 6? प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6। सो कितने वेरिएबल्स है तुम्हारे पास? दो दो वेरिएबल। और इस इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्री करो? हाँ सर। यस सर। मतलब एक इक्वेशन से दो वेरिएबल, मतलब क्वेश्चन किसका होगा? कम ऑन। एनालिसिस। 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 याद है क्वाड्रेटिक में भी करते थे अपन बच्चों? यस। यस सर। ये कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या तुम्हें, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन? इंटीग्रल में। चलो सोचो, देखें कौन सोच पाता। क्या बात, सोहम रॉन्ग, अनिकेत करेक्ट, वेरी गुड। सोहम बहुत कैजुअल मिस्टेक है, चेक कर। अनिकेत वेरी गुड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर दो अनिकेत। वो भी इसी टाइप का एनालिसिस का है थोड़ा। क्षितिज तेरी भी कैजुअल मिस्टेक। अनव करेक्ट, गुड। सिद्धार्थ करेक्ट, विनायक वेरी मतलब अच्छा ट्राई कर बेकार। हाँ ठीक है अनिकेत, मतलब यस देयर मे बी सम केस, बट साइड्स को इंटीजर होना है उस पर फोकस कर। पुष्पम रॉन्ग, प्रणय रॉन्ग, शौनक रॉन्ग। शौनक एंड प्रणय क्लोज हो बट गलत है वो।
क्षितिज करेक्ट, प्रकर्ष रॉन्ग, रामत रॉन्ग, लक्ष्मी करेक्ट, सोम करेक्ट, शौनक करेक्ट, विनायक रॉन्ग, आयना सलीम स्टेक। चलो डिस्कस करूं अब मैं या इनफ टाइम या थोड़ा और चाहिए? 30 सेकंड्स और। ओके लेट्स गो। यस तृप्ति मिस्टेक, आकाश मिस्टेक, पुष्पम करेक्ट, ज्योत्सना नो बच्ची, अंशु कैजुअल मिस्टेक। चलो देखो इधर लिखना बंद अब। सो ये टू को तो उधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 12, इसका एक्सपांशन 1 × 2 माइनस वाई, माइनस 2 × x माइनस वन, एक्स माइनस प्लस 1 × xy माइनस 2, सही है? यस सर, यस यस सर। ओपन कर रहा हूँ, टू से टू कबूतर गया। अब ये बताओ, ये मैंने बहुत फेमस बना दिया इनको, हाँ या ना? इस टाइप की कि अगर ये भी होता है तो वन ऐड करते हो, याद आया एवरीवन? माइनस वन करते हैं, यस सर, ताकि ये सब फैक्टराइज होके 1+a 1+b बन जाते हैं, हाँ या ना? तो वैसे ही अगर a+b+4ab हो गया तो उसी टाइप से 4 कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा बस, मेरे ख्याल से 4a ऐसा कुछ होगा, तो समझ गए? यहाँ नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, बट यू कैन थिंक ऑन योर ओन। तो जैसे यहाँ पे 2 कॉमन 1 माइनस x यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस y कॉमन, माइनस 1 × y माइनस x। चुप, आगे की चीजें नहीं चाहिए मुझे। सो 2 − y × 1 − x इज प्लस माइनस 12। सो दोनों पे माइनस इधर उधर कर दिया मैंने, चलेगा ना ये? तो मतलब कितना डिफरेंस है, मैं अभी नया फ्लैगशिप बैच ले रहा था, समझ गया ना तुमसे जूनियर वाले? तो उनका क्वाड्रेटिक का वेवी का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, याद है बचपन तुम्हारा भी? यस सर, बचपन में याद है। हाँ, तो उसमें ये समझाने के लिए 3 मिनट लगाने पड़ते हैं, 4 मिनट लगाने पड़ते हैं। देखो जादू टोना कि माइनस वन मल्टीप्लाई किया है ना, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर एक और माइनस वन मल्टीप्लाई, पहले इस माइनस को अंदर ले गए, फिर किसी को समझाना पड़ता है कि माइनस ए बी में मैं ए इंटू माइनस बी भी लिख सकता हूँ, दैट इज द सेम थिंग है ना? यस सर। फिर माइनस अंदर गया तो ये वाई माइनस टू हो गया, फिर एक और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, तो फिर वो अंदर गया। फिर कोई कबूतर उठ के बोलता है सर ऐसा हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर दो इवन माइनस है तो फिर अपने आप हो गए, ऑड है तो फिर अलग हो गए। सर हमारा बचपन में हम लोग भी कभी ऐसे ही सुधरा बचपन, वो तो हर नालायक ऐसे ही होता है, और फिर मैं सुधारता हूँ उनको थोड़ा रगड़ रगड़ के। यस सर। चलो एनीवे यहाँ तक आ गए विथ मी एवरीवन। यस सर। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, फिर मैं इसका आंसर बाद में सोचूंगा। एक्स और वाई कौन है? इंटीजर। इंटीजर माइनस वन क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर माइनस टू क्या होता है? इंटीजर। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए या एक्स और वाई की आंसर चाहिए? तुम बताओ। एक्स और वाई के आंसर चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लो। पेयर्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर नंबर ऑफ पेयर्स पे ध्यान दो, एक्स माइनस वन से हमें क्या करना है? By the way, ये 4 × 3 होता है, तो ठीक है x की वैल्यू आ रही होगी, बट तुम्हारे लिए तो आंसर तो एक ही है ना, ये कि एक पेयर, come on। हाँ सर। So can I say मेरे लिए अब इक्वेशन हो गई x × y = 12, do you understand this fact everyone? Yes sir। मतलब let's focus on capital as compared to small, sounds good? हाँ सर। Yes sir। वापस बता रहा हूँ इसके, yes जैसे by the way ये आंसर है, तो मेरे लिए ये one पेयर है, agreed ना? Yes, yes, अब मुझे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल के क्या उखाड़ना है, एग्रीड ना? यस सर। तो बस भूल जाओ उसको। तो अब इसके पेयर्स कितने होंगे? 1, 12, फिर
अब बताओ यही होंगे 12 को बनाने के लिए और कुछ भी है सर? नेगेटिव यही होंगे सर, सेम वैल्यूज, नेगेटिव है। ये 6 आंसर है करेक्ट ना? हां सर, बट मैंने इनटू 2 भी किया। क्यों? क्यों दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं? नेगेटिव, बोथ ऑफ देम कैन बी नेगेटिव आल्सो। -1 इनटू -12 भी तो 12 ही होता है कार्टून। हां सर, यस सर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो 12 पेयर्स यहाँ पे आ गए, 12 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल आंसर 24। पीएनसी में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, वो तुम अलग बात है भूल गए, याद है पॉजिटिव इंटीग्रल? हाँ सर, हाँ सर। 12 को क्या करेंगे? 2 square into 3, नंबर ऑफ वेज में ये और डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बैगर्स फॉर्मूला याद आ रहा? यस सर, पक्का याद आ गया। हीरा लाल, मोहन लाल, हीरा लाल, वीना लाल और एक और कोई नाम, मोहन लाल नाम देना सही रहता है, याद रहता है। हाँ, एंड विनायक लाल। अनाव एक्स्ट्रा का करेक्ट, क्षितिज मिस्टेक। सो हम मल्टीप्लाई करके दे, मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक सही है। गौरव एक्स्ट्रा का सही। सो हम मिस्टेक। किसी किसको पनिश करने को बोला था मैंने? स्वयं और सोहम थे क्या? स्वरदीप, स्वयं था और स्वरदीप था सर। चाहिए तो स्वरदीप है वो, आज आज भी नहीं है। है ना? ठीक, करेक्ट अनन्या। कैन आई प्रोसीड? हो गया सबका कॉपी? यस यस सर। तेरी नेगेटिव में रिपीटेशन नहीं आएगा क्या? अरे नेगेटिव में वो इस टाइप, नेगेटिव में इस टाइप से नेगेटिव था ना बच्चे, वो 1 और माइनस 12 है। क्या वो केस यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं। तो फिर काय का रिपीटेशन? नो सर, आई एम आस्किंग लाइक माइनस 1 और 12 आएगा तो 6 ही पेयर्स होगा ना, क्योंकि अरे उससे x और y की तो अलग वैल्यू आएगी ना बच्चे। अगर ये -1 -12 है और ये 1 12 है तो स्मॉल x स्मॉल y की सेम वैल्यू आएगी या अलग आएगी? ये वाला तो 12 समझा x, सो ये वाला समझा मेरे को आपने जो इधर बताया। चलो x -1 into y -2 is equal to -12 में। तो कार्टून अभी पहले वही तो बोल रहा था मैं, उसके लिए एक 1 है और एक -12 है। तो क्या यहाँ पे सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं? चुप रहे, कितनी बार बताया मैंने, बीच बीच में मत बोला करो, मैं उठा के फेंक दूंगा। तेरा माइक ऑन रहना चाहिए कार्टून। हाँ सर, एक सेकंड। अरे तो यहाँ पे कहाँ आंसर सेम है? एक्स वन है और यहाँ पे एक्स वन है, आई एग्री, बट उसके साथ वाई यहाँ 12 है, यहाँ पे वाई -12 है। तो क्या स्मॉल एक्स कॉमा वाई का पेयर सेम आएगा क्या? नहीं सर, नहीं। तू बता। हाँ सर, x कोऑर्डिनेट भली सेम आएगा बट y कोऑर्डिनेट सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है वो। तो फिर बस कुछ और एक फिर मैं खुद से पूरा सॉल्व करके देखता हूँ, मेरा शायद वापस करूंगा तो हो जाएगा। ओके, चलो एक चीज बताओ। वैसे तो डिटेल में तो मैं चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टॉपिक, बट ये बताओ अगर सर्कल यहाँ पे है, इसका एरिया 5 है, इसका सेंटर मान लो 2.3 है और इसका एरिया 5 है, इस सर्कल को मैं ओरिजिन पे शिफ्ट करा दूं सेंटर, तो क्या एरिया चेंज होगा क्या? नहीं सर। नो। क्या कोई कॉर्ड की लेंथ चेंज होगी क्या? नो सर। नहीं सर, सब सेम रहेगा।
सिर्फ कहना इसे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे भली इस पॉइंट के जैसे इस पॉइंट के चेंज हो गए राइट एवरीवन बट कहना इसे लेंथ या एरिया जैसे पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं एग्रीड ना ऑल ऑफ यू हां सर वो चेंज नहीं होगा सो बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं उसको हम वेक्टर से भी कर सकते हैं जैसे मैंने एरिया का प्रूफ किया था और बहुत सारे क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं और कभी कभी काम भी बहुत आता है क्वेश्चन सिर्फ प्रूविंग नहीं नॉर्मल में भी सो मैं तुम्हें बस अभी छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन तो बाद में पढ़ाऊंगा जिसका मैं नाम बोलता हूँ एक्सेस ऑफ रेफरेंस या चलो शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन भी लिख देते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रूव सम ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव टू स्पेसिफाई एक्सेस ऑफ रेफरेंस अगर अब वो कोई थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम है तो मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी रैंडम ट्राइंगल के लिए भी होगी और उसी ट्राइंगल को मैं अगर ऑरिजिन के आसपास शिफ्ट करा दूं तब भी सही होगी ना एवरीवन यस सर सो व्हाई विल आई वांट माय लाइफ टू बी पैथेटिक मैं उसको कहां पे शिफ्ट करा दूंगा कम ऑन ओरिजिन मैं किसी भी फिक्स पॉइंट को ऑरिजिन मान सकता हूं कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन के बारे में क्वेश्चन बोल रखा है तो मैं उसको किसके अलोंग मान सकता हूं एवरीवन एक्स एक्सिस के अलोंग अरे जो लिखा हुआ है उसको भी तो देखो अगर कोई लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है ऑफ लेंथ 2a तो मैं उसको किसके अलोंग मान लूंगा बच्चों एक्स एक्सिस इसमें एक वर्टेक्स ये हो जाएगा एक वर्टेक्स ये हो जाएगा सो दैट मिड पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा साउंड्स गुड एवरीवन अगर दो को क्वेश्चन दो परपेंडिकुलर फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा है तो मैं उसको किसके अलोंग मान लूंगा कम ऑन एक्स और एक वाई एक्स एंड कैन आई डू दिस अजम्पशंस एवरीवन यस सर यस तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन साथ में प्रूव कर रहे हैं तो पहले तो देख के बताओ ये कौन से थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको बट तुम्हारे काम का कुछ नहीं है नाम वाम सर्कल में वैसे बताऊंगा मैं चलो अब क्या क्वेश्चन बोल रखा है डी इज द मिड पॉइंट पहले तरफ डायग्राम यही समझा रहा हूँ ए बी सी है डी इज द मिड पॉइंट है तो कुछ प्रूव करने का बोल रहा है यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों अब तुम मुझे सूटेबल अजम्पशन बताओ किसको ओरिजिन के अलोंग मान लो या किसको एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो यू टेल मी कम ऑन डी को ओरिजिन मान लेता हूँ और बी और सी को कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग एवरीवन तो ये तो ओरिजिन हो गया सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है मतलब सबके कोऑर्डिनेट चाहिए तो किसी के कोऑर्डिनेट अज्यूम करने पड़े तो कर लो सी को क्या अज्यूम करो बोलो तुम बोलो -0 क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं yes, अब हमें चाहिए वर्टेक्स ए के बारे में तो वर्टेक्स ए क्या जरूरी है क्या वाई एक्सिस पे होगा नहीं सर नहीं सर अगर वर्टेक्स ए वाई एक्सिस पे मान लिया फिर तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो गए मतलब इक्विलैटरल बन गया हां तो हमें रैंडम मानना पड़ेगा एग्रीड ऑल ऑफ यू यहां पे यस सर यस मैंने मान लिया अब इसके कोऑर्डिनेट्स में कोई भी पैटर्न है रैंडम मानो रैंडम समझ में आया फील आई यहां तक हां सर अब जो बोल रहा है वो प्रूव कर लेते हैं चलो लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज सेम एज डिस्टेंस फार्मूला एवरीवन यस सर यस बोलते जाओ यार मैं क्या बताऊं हां सर x प्लस a होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर प्लस y का अंडर रूट नहीं सर ए बी स्क्वायर ना इट्स माइनस सॉरी ओके कैन आई से 2ab का टर्म और -2ab का टर्म कैंसिल हो गया एवरीवन कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब डबल हो गया एवरीवन यस सर x2 + y2 + a2 नाउ इजंट दैट राइट साइड अगर कन्विंस नहीं हो तो चलो राइट से ही चालू कर देते हैं कोई बात नहीं 2 टाइम्स ऑफ ad डायग्राम देखो ad x2 y2 यस सर कितना हो जाएगा ad2 एवरीवन x2 + y2 जल्दी से ओके करो यस सर और BD BD की लेंथ कितनी है कम ऑन स्क्वायर हो जाएगा BD स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर सर इतना आसानी से प्रूव हो गया यस क्लियर है एवरीवन यस सर चलो कॉपी करो सर जब आरएमओ में मैं अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने का ट्राई कर रहा था जान निकल जाती थी मेरी वेक्टर से और इजीली होता है ये सब चीजें तो ट्रिक्स हैं ठीक है ये इतना कितना फास्ट नेटवर्क है यार है? कौन इसका भला भक्त है मैंने जैसे ही स्वयं के बारे में पूछा
उसके दो मिनट के अंदर तो उसका मैसेज भी आ गया सर, आई एम अनवेल एंड ऑल। हाँ सर, लगता है ये लोग पूरा चेन बना के बैठे हुए हैं कि ऐसे कौन से भक्त हैं और ऐसे क्या मतलब लॉयलिटी है भाई तुम्हारी कि लेक्चर के बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ तुम उधर कर रहे हो हैं। अब वो बच्चा वापस मैसेज कर रहा होगा तेरे को इतनी जल्दी लिखने की जरूरत है क्या? नो सौराधीप करेक्ट चेत सर, अगर आप हम लोग का दिमाग पहले से पढ़ लेते तो फिर हम एक भी झूठ नहीं बोल पाते। क्षितिज करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही देवांशी। अनिकेत करेक्ट, यस अक्षत, सिद्धार्थ करेक्ट। ये कॉपी करो नालायक हो तुम, कॉपी रफली थोड़ा भले शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिखो तुम सब जो मुझे एक्स्ट्रा पेंसिल दे रहे हैं। सौराधीप कितने तेरे के आंसर कैसे चेंज हो रहे बार बार? सर मैंने पहले एक जीरो ऐड करना भूल गया था मैं, बट अभी भी गलत है। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अब तो काफी क्लोज है इसको देख। ये क्वेश्चन क्या कॉपी करोगे, नेक्स्ट कर लोगे? सर हाँ बस एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। करना है तो फास्ट करो, करना है तो फास्ट करो फिर। यस अब थोड़ा बहुत रीजन भी समझ में आ गया होगा क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो पढ़नी चाहिए, राइट एवरीवन? यस सर, यस सर, ज्योमेट्री बोर्ड। ये तो बहुत छोटा सा रीजन है बट स्टिल ज्योमेट्री टफ लगता है लेकिन सर। टफ बोलना भी सर ऑप्टिमिज्म है सर, ज्योमेट्री इज अ वेरी वास्ट थिंग, बस ये समझ सकते हो। सौराधीप करेक्ट। अब आंसर अलजेब्रा जितना फोकस नहीं किया होता कभी ज्योमेट्री पे स्कूल में भी या कहीं भी, इसलिए टफ लगता है। हाँ सर फिजिक्स में बहुत लगती है ज्योमेट्री, एंगल वेंगल। अक्षत क्या लिख रहा है, चार डिजिट खुद बोल रहा है, तीन डिजिट लिख रहा है। हाँ भाई आगे बढ़ूँ, आप हो गया? यस सर मैं वैसे। सर वो जीरो लिखना बोल रहे हैं। If ABCD is square and P is any point in its plane, prove this. For 5-10 नालायक जो इस बैच में हो सकते हैं, क्या अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर चालू किया है क्या? नहीं सर, इंटीग्रल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक स्ट्रेट लाइन चालू नहीं हुआ है, अभी तक ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फंडे चल रहे हैं बस। नेक्स्ट क्लास से पहले सब बच्चे फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल रिवाइज करके आएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, सुन रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल लाइक सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। अभी मैं पूछूं आधे बच्चों को नहीं पता होगा ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है, नालायक हो तुम। थोड़ा बहुत ये 10th क्लास में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं तो सब कराऊंगा बट थोड़ा फास्ट होगा हमारा, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दो चीजें बोला मैंने, एक तो फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सब के बारे में थोड़ा रिवाइज करके हम। कोई नालायक पूछेगा कहाँ से तो किसी भी 10th क्लास की ज्योमेट्री की बुक यार या फिर गूगल ही कर लेना, विकिपीडिया से पढ़ लेना।
हो गया यस सर हो गया यस सर सर आपका होमवर्क वाला पेज है आई नो वैसे ही मैंने कर दिया उसमें क्या देखोगे तुम सर आपने एमपीएस अभी तक भेजे नहीं है ना सर हाँ आज भेजूंगा ठीक है तुम देख रहे हो कितना कम होमवर्क हो पा रहा है क्योंकि मैंने क्या बोला हुआ है तुम्हें याद है यस सर सब स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन अब स्ट्रेट लाइन करेंगे तभी आएंगे तब तक तो ये सब मिनिमम है अभी मैक्सिमम टाइम यू कैन यूटिलाइज फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट पी एन सी स्ट्रॉन्ग एस एन एस अच्छा एस एन एस बी टी का टेस्ट कैसा हुआ अच्छा था सर अरे ठीक है चुप एक मिनट चुप पहली बात सिद्धार्थ कोई बोनस वोनस नहीं करूंगा मैं वो सब एक क्या है वो तो ऑब्वियस है वो 14 की जगह जो भी होगा वो कोई बोनस वोनस नहीं सब बच्चे को पता है वो क्लियर यहाँ तक पहले मतलब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि उसने वो इंटरप्रेट नहीं करा होगा एग्रीड ना नहीं करा होगा तो सभी उसकी गलती है सर मैंने तो वो देखी बाकी भी नहीं कर पाया मैंने तो मिस्टेक देखी सर बस एक मिनट कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो सर नंबर एग्जैक्टली याद नहीं बट सर मैंने फोटो लिया था तूने मुझे एक मिनट तूने मुझे इंडिविजुअली भेजा या ग्रुप पे भेजा था कहां भेजा ग्रुप पे डाला था मैंने ग्रुप पे दिख क्यों नहीं रहा मेरे को इतने मैसेजेस किए थे ना लक्ष्मी ने बड़े बड़े सर कोई बोनस वोनस नहीं करूंगा दैट वाज ऑब्वियस टाइपिंग मिस्टेक बट वो कोई ध्यान चेकिंग के वक्त भी ध्यान नहीं दिया जाता इतना वो तुम ही ध्यान दे सकते हो एज एन स्टूडेंट बस बट ठीक है माइंड मत करना उससे ही हुआ ना और क्या उसके अलावा कैसा हुआ टेस्ट सर उसके अलावा एकदम अच्छा गया अच्छा था सर तुम्हें डेढ़ घंटे तो मिले ना करने के लिए सर एक घंटे में हो गया जितना भी लो 25 क्वेश्चन डेढ़ घंटे में नहीं करोगे कब का कैसे करोगे सर हो गया बट सर भार पड़ा वैसे नहीं जिसमें मैंने स्पेशली ध्यान रखा था कि मल्टीपल करेक्ट वर वेरी इजी एग्री करो यस सर एक भी मल्टीपल करेक्ट टफ नहीं था मैंने सिर्फ सिंगल इंटीजर में दो तीन शुरुआत में टफ डाले थे और इंटीजर में एक आधा टफ डाला था बस मैंने करेक्ट ना इंटीजर में तो होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे मतलब यही मैं समझाना चाहता हूँ कि एसएनएसबीटी स्टिल थोड़ा सा और कर लो ताकि रैप कर दो अच्छी तरह क्लियर यस सर यस सर यस और पीएनसी में अब मैं क्वेश्चन बैंक आजकल मैं भेज दूंगा रिवीजन करना होगा तब भेज दूंगा मैं बेटर है ना हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हम लोग भी हम सिंगेज शुरू कर देते क्योंकि यस कुछ बच्चे हैं ज्यादा कर पाते हैं वो तो मुझसे इंडिविजुअली और रिसोर्सेस ले ही सकते हैं बट एज इन कलेक्टिव बैच की बात कर रहा हूँ सब कुछ भेजने से क्या फिर और बस एंशियसनेस रहती है यार ये भी करना है दूसरे कर रहे हैं प्रेशर आता है नथिंग एल्स ठीक है अब से सिंगेज अरियन एक बुक करो और एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैं वो क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा ठीक है यस सर वो यस सर सर आप पीटीएन एसएनएस को वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ हां हां अच्छा ये क्वेश्चन हो गया आप सबका क्या assumption लिया तुमने square का ऐसा ऐसे मान लिया roughly come on ऐसे yes sir अरे यार तुम ऐसे भी मानोगे तो भी कोई पाप नहीं कर दोगे but ये better assumption है क्यों center से कोई काम थे ना yes sir ये क्यों मानू क्योंकि center से मेरा कोई role ही नहीं है तो मैं क्यों मानू किसी एक vertex को origin बनाना मेरे लिए easy है agree करो all of you yes sir और p क्या हो सकता है कहीं भी अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है doesn't matter Can I proceed, everyone? Yes, sir. Yes, sir.
सर मैंने पॉइंट पी को ओरिजिन लिया तो फिर स्क्वायर कैसा माना तूने कार्टून सर उसके अंदर ले लिया ना मतलब अरे मतलब कोई सिमेट्री क्या मानी उसमें सिमेट्री नहीं जरूरत है ना हाँ सर वही सिमेट्री नहीं इसलिए तो सॉल्व नहीं हुआ ना सर इसने स्पेशल केस ले लिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि पी को ओरिजिन ले ही नहीं सकते तो इज दैट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कि पी को ओरिजिन ले ही नहीं सकते हां लेने में क्यों नहीं ले सकते पी इज एनी पॉइंट तो इट कैन बी ओरिजिन आल्सो बट फिर तुम स्क्वायर को एक पॉइंट को स्क्वायर के एक पॉइंट को ओरिजिन मत लो मतलब जनरलाइज थोड़ा तो करोगे ना दोनों कैसे ओरिजिन हां सर अरे मतलब होने में तो कुछ भी हो सकता है बट फिर कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने का मतलब नहीं निकलेगा इसलिए बोल रहा हूं अरे सोरादीप हर बार जल्दबाजी में देखे गलत करेगा इससे अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया कर सोरादीप तो अब इससे सबक सीख लेने तो एग्जाम में भी होगा ये सब अभी टॉपिक वाइज टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हुई तेरी घर के हुई है लेकिन मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री में हुई थी ठीक है अवार्ड दोनों में मिल जाएगा जैसे मल्टीपल करेक्ट में मैंने वो हर चीज में मेरा पार्शियल मार्किंग हुआ था एक मैं का ऑप्शन मिस कर दिया था मैंने सर ऐसे बच्चे भी होने जरूरी है ना फिर हम लोग का रैंक ऊपर आता सबका करेक्ट है ये क्वेश्चन को करके थोड़ी फील आई होगी कि कितना ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इजी हो रहा है ये चीजें अनाव क्या मिस्टेक है ये पूछे था मिस्टेक चलो कैन आई डू दिस एवरीवन नाउ Yes, sir. चलो मेरे साथ देख लीजिए अगर किसी का गलती है तो ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर व्हाट एस एस का रोल है ओ का रोल ज्यादा है तो ओ को ओरिजिन मान लिया इस टाइप का एजम्पशन समझ में आता है ना एवरीवन मैं तो पी को भी ओरिजिन मान सकता था बट ओ का रोल ज्यादा है तो मैं ओ को ही ओरिजिन मान लूं बेटर है ना यस सर स्क्वायर है हाँ भाई कार्टून बीच में क्यों बोल रहा है बोल मतलब मैंने डिफरेंट ओरिएंटेशन लिया है तो पूछूं कि बाद में पूछूं मैं पहले जूते मारूं बाद में मारूं हाँ पहले सर
तेरी पहली क्लास है क्या मेरे साथ यार बच्चे, इसलिए डांट खा रहा है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तेरा, ना पहले ना बाद में आज। OP QR is a square, O is origin, P is A comma 0, Q is A comma A, R is this. मैं बार बार इतनी बार अभी बीच में वही बोल रहा हूँ, बट इसका माइंड अपने थॉट में चला गया है और वो सुन नहीं रहा है। मैंने अभी बोला क्या मैं P को भी ऑरिजिन मान सकता हूँ क्या एवरीवन? हाँ। yes, क्या मैं सेंटर को भी ऑरिजिन मान सकता हूँ क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल, जो तुम्हें करना है करो यार, बट जितने अजम्पशन फालतू मानोगे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा टफर होगी, बस वही तो फंडा है एवरीवन। यस सर। तो मैम जो मिड पॉइंट है उसको ऑरिजिन मान लो, मेरे को क्या करना है, जो इजी अजम्पशन कर सको कर लो। अच्छा आप क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने स्पेशली लिखा है नहीं, बट वो तो सबको पता है ना, सेक्शन फॉर्मूला से ही आएगा, ए प्लस बी बाई। यस सर, रेशियो। यस सर, यस सर, ए बाई। नहीं तो उसमें भी सोच रहे हो तो फिर टेस्टिंग कराओ। क्यू आर इज इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एवरीवन? सब वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN। ओके तो ट्रायंगल OMN में मैंने देख लिया कि रैंडम ट्रायंगल है, तो जिसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा एवरीवन? डिटरमिनेंट फॉर्म से। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर तो ए स्क्वायर है राइट एवरीवन? तो कितना इजी रहा, क्योंकि साइड वही मानना तो स्क्वायर का एरिया भी इजी रहा, और अब ट्रायंगल OMN भी इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि 0 0 प्रेजेंट है ऑल ऑफ यू। यस सर। 0 0 1 एक वर्टेक्स ले लिया, अच्छा एक वर्टेक्स ये ले लिया a कॉमा a बाय 2 कॉमा 1, एक ये ले लिया a बाय 2 a 1 a 1। अब इसका एक्सपेंशन बस 1 से मल्टीप्लाई करना है, एग्रीड ना? यस सर। यस सो 1 इनटू दिस माइनस दिस 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर कुछ कबाड़ा करा गया मैंने? नहीं सर, करेक्ट है, अपने 2 ऊपर लिया था एरिया 2a स्क्वायर 8 इज 2। क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉपी फास्ट। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। लास्ट टाइम कोई डाउट? नो। चलो देखो इधर, अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टिल गोइंग ऑन, स्ट्रेट लाइन तो अभी दे रहे हैं, 2 लेक्चर और लगेंगे, 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर लगेगा क्योंकि लोकस अभी पढ़ाना है मुझे, अभी तो थोड़ा स्लोप पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा तुम्हें लोकस, उसके बाद फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सेंट्रॉइड वगैरह, फिर अपन स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। सो अब हेडिंग लिखो इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Inclination of a straight line. जल्दी से डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम बना दो। पॉजिटिव के बाद क्या लिखा है? एक सेकंड, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब कहना ही सही, यहाँ पे देखना डायग्राम में दिस इज एंगल थीटा एवरीवन. हाँ भाई अच्छा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें. हाँ दिख रहा है ना, यही एंगल थीटा है ना एवरीवन. तो एक बार लिखना बंद करिए आप. रेडी? यस यस सर. हाँ चारों डायग्राम में मुझे थीटा बताओ जल्दी से. फर्स्ट डायग्राम थीटा कितना है, 120 या कुछ और? 60 डिग्री. ऑल ऑफ यू ओके? यस सर. सेकंड डायग्राम में थीटा कितना है? 150 डिग्री प्लस ना. यस सर. ओके तीसरा डायग्राम, ये रहा तीसरा, इसमें कितना है? 120 डिग्री. कम ऑन, ये भी 120 है स्टिल, राइट एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट ये कितना है थीटा? 30 डिग्री. तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है सोचो. 0 से 180. देखो अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री एवरीवन? यस सर. जस्ट फिर थोड़ा सा टेढ़ा करोगे 10 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री. आया ना? यस सर. फिर अब उसको ऑब्ट्यूस टाइप का कर रहा हूं तो 120 150 170 179 179.5 एंड हॉरिजॉन्टल हो गया तो कितना हो जाएगा वापस? 180 बोलूंगा या 0 बोलूंगा कार्टूनों? 0 बोलेंगे सर. अब इसके बाद 179.5 के बाद 180 हो गया, उसको तो तुमने 0 बोल दिया, तो उसके बाद वापस ऐसे ही करूंगा तो इसका क्या 200 डिग्री होगा या ये वाला एंगल हो जाएगा एक्यूट वाला वापस? वो वाला हो जाएगा सर, एक्यूट वाला. कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 0 से 180. 180 पे कैसा ब्रैकेट है? कॉपी. करेक्ट अनिकेत एंड सिद्धार्थ. वो जस्ट रॉन्ग. ये चारों डायग्राम ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ यू विश एक आध बना दो है. हाँ भाई हो गया आप सबका? यस सर. अभी तक तो फंडे कितने हो गए अपने? फंडे दो सर. दो ही हुए सर. सर थ्री. तीन हुए क्या? हाँ सर. अच्छा ठीक है, तीन फंडे हुए. वैसे तो ये फंडा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी फंडा ही है, कोई कंसेप्ट तो है नहीं है. चलो इंक्लिनेशन हो गया सबका. मेन मिस्टेक. अब यहाँ पे ध्यान. नेक्स्ट हेडिंग डाल दो स्लोप. स्लोप को किसे किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन? एम. स्मॉल एम. एम स्मॉल एम. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, स्लोप इज 10 थीटा. उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है y2 minus y1 वो सब अभी डिस्कस करते हैं, फिजिकल के मैथमेटिकल. देवांशी करेक्ट. एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा लिखना बंद.
कॉपी करो जल्दी से. इफ थीटा इज इंक्लिनेशन स्लोप इज टेन थीटा. डायग्राम बना दो ये. हाँ भाई रेडी? यस सर. वापस ऑब्जेक्टिवली रेडी ना मेरे साथ? यस सर. यस सर. अच्छा लाइन कैसे हो सकती है? इंक्लिनेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है याद है? 0 से 180. 180. तो चलो मेरे साथ अगर स्लोप जीरो हो गया, सॉरी थीटा जीरो हो गया तो स्लोप भी जीरो हो जाएगा राइट? टेन थीटा. फिर स्लोप 30 डिग्री हो गया, सॉरी इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. जो कि फर्स्ट डायग्राम है एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. फिर मैंने थीटा को 60 डिग्री कर दिया तो स्लोप बढ़ेगा या कम हो रहा है? बढ़ेगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. मैंने थीटा को 75 डिग्री कर दिया तो स्लोप और बढ़ेगा. मुझे वैल्यू याद है, तुम्हें भी याद होगी आई थिंक. यस सर. 2+ यस सर. फिर 89 डिग्री कर दिया. 90 डिग्री पे स्लोप क्या हो जाएगा? Not defined. Not defined. तो यहाँ पे स्लोप कब नॉट डिफाइंड हो जाता है एवरीवन? 90 डिग्री. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस सर. बट कैन आई से 0 से 90 डिग्री के लिए व्हेन इट इज बिटवीन 0 से 90 डिग्री स्लोप इज पॉजिटिव. जल्दी से एग्री करो. एंड इट इज इंक्रीजिंग. कम ऑन. यस सर. देख लो ये वाला डायग्राम स्लोप इंक्रीज करता है इस तरीके से. एक्यूट होता है. अब से ध्यान रहेगा ना एवरीवन? हां सर. चलो नेक्स्ट. अब मैं 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है. फिर 120 डिग्री हो गया ये. तो फिर क्या होगा? नेगेटिव. एंड 120 नेगेटिव. हाँ ये 120 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा? -√3 एवरीवन. टेन 120 एवरीवन. यस सर. देख लेना थीटा इक्वल्स टू 120 के लिए है. फिर थीटा 135 डिग्री हो गया तो इसलिए स्लोप -1 हो जाएगा. कम ऑन. यस सर. मतलब मैं जब थीटा बढ़ा रहा हूँ स्लोप क्या कर रहा है बताओ? कम हो रहा है. बढ़ रहा है. कम. थोड़ा सोच के बोलना. 120 से 135 गए. स्लोप -1.7 से -1 बढ़ रहा है. में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वैल्यू टोटल डिक्रीज. मतलब तुम्हें तो टेबल फॉर्म में दिखाना चाहिए तभी दिखता है तुम्हें. नहीं सर. -1.7 सो थीटा इज 135. नहीं सर. So slope is -1. So as theta increases slope, और वो भी अगर खो सकता है कंफ्यूज हो जाओ तो नंबर लाइन पे दिखाना चाहिए तुम्हें. -1.7 यहाँ पे होता है. सॉरी माइनस वन यहाँ पे होता है. क्या कर रहा है एवरीवन? इंक्रीज. सो और फिर 150 डिग्री कर दूंगा तो स्लोप -1/√3 हो जाएगा. कैन आई से 0 की तरफ बढ़ रहा है एवरीवन? यस सर. और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पे वापस 0 हो गया ना? Yes, तो मैं मतलब एक डायग्राम बना सकता हूँ जो तुम्हें बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे स्लोप जीरो होता है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता है इंक्लिनेशन के लिए ऐसा हो तो, यहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी की तरफ होता है. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? ऑलमोस्ट राइट. यहाँ पे स्लोप -∞ की तरफ होता है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है और यहाँ पे अगर ऐसी लाइन हो जाए तो वापस स्लोप जीरो हो जाता है. चलेगा ये डायग्राम? रफ डायग्राम एवरीवन? यस सर. अगर ऐसी लाइन होती है तो ऐसी लाइन को देखते ही तुम्हें मुझे बोल लेना चाहिए कि सर हाँ इसका स्लोप तो नेगेटिव होगा. बोल दोगे ना ऐसा? हाँ सर. हाँ तो ये एक बार बना दो पहले, फिर मैं एग्जांपल नीचे वाले कवर करता हूँ, बट पहले ये बना दो. करेक्ट सो हम
नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डोंट बी लेट, मैं लोकस पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट है, सुन लिया? यस सर, यस सर। हो गए दोनों डायग्राम बन गए? यस सर, यस सर। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव का रफ डायग्राम। अब जैसे ये लाइन है, देख के बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? लाइन ऐसी है, नेगेटिव। लाइन ऐसी होगी तो स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव इज माय वॉइस क्लियर? यस 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 सर। मेरे को फील तो आया था डिस्कनेक्ट होने वाला हूँ, अभी तो आ रही है ना? चलो पांचों डायग्राम रेडी। फर्स्ट स्लोप 10 30 डिग्री, स्लोप 1/√3। सेकंड डायग्राम स्लोप 10 30 डिग्री। सबको याद है इंक्लिनेशन ये वाला होता है, स्लोप भी क्या होगा 10 150 डिग्री। 150 -1/√3। अच्छा अगर ये एंगल 60 है तो कैसे स्लोप निकालोगे? वो 60 हो जाएगा नीचे उसका 30, 90, बस 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 ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो गया तो ये 150 हो गया, ठीक है ना? यस सर। बस ऐसे ही मस्ती में बता रहा हूँ मैं। अच्छा अगर ऐसे लाइन हो गई तो नॉट डिफाइंड, स्लोप नॉट थीटा इज 90 डिग्री, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। और लाइन की इक्वेशन कैसी हो जाती है? ऐसी लाइन सबको पता है कि लाइन अगर मैं बोलूं x equals to 4 कैसी होगी तो ऐसी लाइन होगी एवरीवन, है ना? x equals to minus 10 ऐसी हो जाएगी, एग्री करो? हाँ सर। तो कहना इसे कभी भी लाइन x equals to constant देखोगे तो अब से स्ट्राइक हो जाएगा कि उसका थीटा 90 डिग्री और स्लोप नॉट डिफाइंड है। स्लोप नॉट डिफाइंड, यस सर। तो फंडा 4 में मैंने लिखा हुआ है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस ऐसी लाइन होगी, एवरीवन एग्री करो? पैरेलल टू y एक्सिस, कम ऑन। यस सर। तो उसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? अरे नीचे लिखा है, सॉरी ये इसका डायग्राम है, पैरेलल टू, अरे कहां गया यार, क्या क्या मैं उल्टा, अरे ये रहा सॉरी, फर्स्ट डायग्राम ही है ना, बोल नहीं सकते थे तुम सर? फर्स्ट डायग्राम ही है। यस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा ही डायग्राम होगा ना बच्चों, नो कंफ्यूजन? Yes. Yes. उसकी इक्वेशन होगी x equals to constant type की, उसका थीटा 90 डिग्री होगा, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। तो अब से ये देखते ही तुम्हें मुझे स्ट्राइक हो जाना चाहिए, सबके दिमाग में विजुलाइज हो जाना चाहिए, x equals to 5, स्लोप नॉट डिफाइंड, थीटा 90 डिग्री, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट लाइन ये वाला, थीटा कितना है? जीरो डिग्री। स्लोप कैसा है? जीरो जीरो। लाइन किससे पैरेलल है? x-axis. उसकी इक्वेशन कैसी होगी? y equal to constant. क्लियर बच्चों? Yes, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ if the line is parallel to x-axis, this all. जल्दी से फंडा ही कॉपी कर लो, बाकी सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू विश, तुम्हारी इच्छा है। पहले मैं ऊपर के डायग्राम बता रहा हूँ तो उसमें से अगर तुम्हारी इच्छा है तो कॉपी करो, अदरवाइज नीचे का फंडा फिर बताता हूँ। करेक्ट अक्षत,
करेक्ट अक्षत, करेक्ट गौरव। इजी चीज ना ये सब तो। यस सर, यस सर। डन सर। यस सर। हो गया सबका? यस यस यस। चलो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं स्लोप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालना और वो सब। ओके सर। ओके चलो होमवर्क yes. होमवर्क मैं भेजूंगा, यू हैव टू डू इट एंड कम। ठीक है यस सर। लास्ट पेज लिखा पनिशमेंट वाली पार्टी क्या? बाय बाय सर। क्या वो गाना गाना सौरदीप का? कर लेंगे सर, सर अभी करवा दो। कौन जब बोर होंगे तब कर लेंगे, अभी छोड़ो। यस सर। ठीक है सर। सर ओरिजिन शिफ्टिंग वाला पेज दिखा।